अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद चौधरी ने 25 नवंबर से तमाम तलीमी अदारे बंद करने का हंदिया दिया है, मगर तमाम स्टाफ मेंबर्स की हाज़िरी लाजमी करार दी गई है। आज की मीटिंग में आम ऐलान मुतवक्के हैं। वफाकी हुकूमत आज के इजलास से में स्कूल बंद करने की तजवीज़ पेश करेगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि स्कूल बंद करने की तजवीज़ है और कैंपस के बजाय घरों पर पढ़ाई शुरू की जाएगी और साथ-साथ स्कूल आएंगे, लेकिन बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। जहां ऑनलाइन क्लासेस का बंदोबस्त नहीं, वहां बच्चे एक दिन स्कूल आकर होमवर्क ले जाया करेंगे। वफाकी हुकूमत और तमाम इकाइयों के इजलास में कोरोना से मुतालिक लायामल पर गौर किया जाएगा। ये बात की है वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने, जिरगा में उन्होंने ये गुफ्तगू की है। तलबा को हफ्ते में एक दिन होमवर्क के लिए आना पड़ेगा और साथसा इकराम रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल में हाजिर रहेंगे, ये तजवीज़ दी गई है और फैसला आज के इजलास में किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की यह जिरगा में गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि 25 नवंबर से तमाम तलीमी अदारे बंद किए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यह तजवीज़ पेश की गई है।